बिकरू गांव में 6 दिन पहले मुठभेड़ में अपने 8 जवानों को गंवाने वाली यूपी पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स यानी कि एसटीएफ ने इस मुठभेड़ कांड के मास्टरमाइंड गैंगस्टर विकास दुबे के करीबी साथी अमर दुबे को आज सुबह मार गिराया। अमर दुबे इलाके का नामी बदमाश था। उसके ऊपर पुलिस ने 25,000 रुपए के इनाम की घोषणा कर रखी थी। अमर दुबे गैंगस्टर विकास दुबे का निजी गार्ड था। वो विकास दुबे के साथ उनकी साया की तरह रहता था। अमर दुबे की मौत विकास के लिए बड़ा झटका है। एसटीएफ के महानिरीक्षक अमिताभ यस ने बताया कि विकास दुबे का साथ ही अमर दुबे हमीरपुर के मौदहा में एक मुठभेड़ में मारा गया। उन्होंने बताया कि दुबे पर 25,000 रुपए का इनाम घोषित था और वो पिछले हफ्ते चौबेपुर थाना क्षेत्र के बिकरू गांव में बदमाशों द्वारा घात लगाकर 8 पुलिसकर्मियों की हत्या के मामले में शामिल था। उसने बिकरू इनकाउंटर के बाद विकास दुबे को वहां से भगाने में मदद की थी। इस घटना में पुलिस पर फायरिंग करने वालों में अमर दुबे भी शामिल था। अधिकारी ने बताया कि इस जघन्य वारदात का मुख्य आरोपी 2.5 लाख का इनामी गैंगस्टर विकास दुबे अब भी फरार है। उसकी तलाश में पुलिस की अनेक टीम लगी हुई है। पुलिस के एक अधिकारी ने कहा, हम उसे पकड़ने की कोशिश में लगे हैं और हमारे दल कार्यरत हैं। बता दें आपको कि गत 2-3 जुलाई की दरमियानी रात करीब 1 बजे गैंगस्टर विकास दुबे को पकड़ने गए पुलिस दल पर उसके गुर्गों ने ताबड़तोड़ गोलियां चलाकर एक पुलिस क्षेत्र अधिकारी, 3 दरोगा और 4 कांस्टेबल की हत्या कर दी थी। इस पर 9 न्यूज रूम से श्रुति की रिपोर्ट।